बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने एक दोस्त के गांव आया था 113/14L में। यहाँ पे मेरा इरादा था कि मैं उसके फॉर्म का के बारे में व्लॉग बनाऊंगा और उस पर वीडियो बना लूंगा आज की। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने इनके गांव का ना स्कूल देखा है। गवर्नमेंट का स्कूल है ये, आई थिंक मिडिल स्कूल बना था ये। अब आप इसकी हालत देख लें, ये पीछे कंडीशन क्या हो चुकी है इसकी। मैंने सोचा इसके बारे में ही इसके ऊपर ही व्लॉग बना लिया जाए आज का। मैं आपको इसकी ज़रा कंडीशंस दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट ने इस पर अच्छा खासा पैसा लगाया था। ये मिडिल स्कूल की कंडीशन है, ये मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारे एक अलमिया है, सरकार कुछ ना कुछ बना के दे देती है हमें, लेकिन उसका ख्याल ना हम आवाम रखते हैं और ना ही इसको कोई सरकारी इदारा जो इसके रिलेटेड कोई भी है, मतलब जो सरकार है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई काम नहीं करते और उसको बेयारो मददगार वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ये देखें कंडीशन इसकी, इमारत सारी खस्ता हाल हो चुकी है। लोग यहाँ पे भैंसें और जानवर वगैरह बांधते हैं। काफी खराब हो चुकी है कंडीशन इसकी और इमारत जो है आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट के कागजों में अपॉइंटेड हैं यहाँ पे, मीन के वो अपनी पे ले रहे हैं। और इस स्कूल में कागजी तौर पर जो है ये स्कूल रजिस्टर्ड भी है और सारा कुछ इसके जो सरकार देती है फंड्स वगैरह और सारा जो भी आता है वो कोई ना कोई बैठा खा रहा होगा। तो क्या कहा जा सकता है पाकिस्तान में, मतलब जितनी देर से हम लोग देख रहे हैं अभी हालात बेहतरी की तरफ बिल्कुल भी कोई चांस ही नज़र नहीं आता कि कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। यही हालात हैं। ये देखें यहाँ के दरवाजे, खिड़कियाँ, हर चीज़ सलामत है। और इस बिल्डिंग को बने हुए तकरीबन कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जिस चीज़ को मेंटेन ना रखा जाए, ख्याल ना रखा जाए, वो फिर उसका यही हशर होता है जो इसका हो चुका है। ये देखें, और इस तरह की काफ़ी मिसालें हैं। बहुत से गवर्नमेंट के इदारे, बहुत से गवर्नमेंट के स्कूल्स बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, उनका कोई ख्याल करने वाला नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला है। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं पूछने वाला और ना ही कोई पब्लिक में से कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और ना ही कोई बिल्कुल एक चीज़ जो है वो जैसे उसको उसकी ज़रूरत नहीं। ये एजुकेशन बेसिक होती है किसी भी कौम के लिए, उसकी तरक्की में एजुकेशन सबसे पहला और मेन जो होता है आंसर होता है एजुकेशन किसी जगह की। अब ये एक गांव की आबादी भी अच्छी खासी है, उसमें ये मौजूद ये स्कूल है और ना गांव वालों को ख्याल है और ना ही सरकार को ख्याल है कि वो इस स्कूल को या इसके रिलेटेड चीज़ों को आगे लेके जाए या यहाँ पे बच्चों के मुस्तकबिल का कुछ सोचे या कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, वो ज़ाया हो रहा है और जा रहा है मतलब तबाही की तरफ। लोग यहाँ से ईंटें वगैरह और अपने काम की चीज़ें लेके चले जाते हैं। ये गेट देख लें आप, इसका ये मेन गेट है जी। ये देखें बोर्ड वगैरह सब कुछ तबाह हो चुका है। ऐसे ही हालात हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, ना ही अवाम सीरियस है मुल्क के लिए और ना ही सरकार सीरियस है मुल्क के लिए। तो ऐसे ही हालात रहेंगे जब तक हम अवाम और सरकार मिलके काम नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क, हमारी मईशत, सब कुछ बर्बादी की तरफ ही जाएगा और डे बाय डे खराबियां बढ़ती जाएंगी। होप्स और उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला जो है हमें हदायत दे और हम इस चीज़ से निकलें और अपनी चीज़ों का ख्याल करें और नेक्स्ट जनरेशन का सोचें कि उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया,
मैंने आज का व्लॉग बनाना था, लेकिन बस मेरा दिल कुड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा कि आप लोगों से भी ये बात शेयर कर ली जाए। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मेरी वीडियो कैसी थी और नेक्स्ट मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।